क्या गाइस, कभी आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप किसी एनिमी को वन टैप मारते हो तो उसको वन टैप नहीं लग पाता, उसको बॉडी शॉट लग जाता है। मतलब आपका एम एनिमी की चेस्ट के ऊपर स्टक हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने फायर बटन को सही टाइम पे सही तरीके से ड्रैग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी गोलियां एनिमी की बॉडी के ऊपर चिपक जाती है, उसके हेड के ऊपर नहीं पहुंच पाती। तो गाइस, मैं इसका सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। मैं कुछ दिनों से पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बैठा था और मैंने घोर तपस्या की, तब जाकर मुझे इन 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता चला है। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो जब भी आप गोली चलाओगे वो एनिमी के हेड के ऊपर जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, ट्रिक को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है। अरे हरामियों, गेम की सेटिंग में आपको यहाँ पे जाना है और क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन कर देना है, क्योंकि ये आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए और वन टैप हेडशॉट मारने के बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप इस बटन को ऊपर नीचे कहीं पर भी रख सकते हो। मैं इसको ऊपर रखता हूँ और अपनी तीसरी उंगली से इसका यूज करता हूँ। तो गाइस, जो हमारी नंबर वन टिप है एम, अगर आप एनिमी से शॉर्ट या फिर मिड रेंज में फाइट कर रहे हो तो आपको अपने एम को एनिमी के आसपास वाइड रखना है या फिर ऐसे वाला रेड रखना है। आपको अपने एम को कभी भी एनिमी की चेस्ट के ऊपर रेड नहीं करना है। अगर आपने एनिमी की चेस्ट के ऊपर रेड कर लिया तो उसके बाद उसको हेडशॉट मारना इम्पॉसिबल सा हो जाता है भाई। इसके बाद जो हमारी नंबर टू ट्रिक है फायर बटन। फायर बटन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बटन है, क्योंकि इससे ही हमारे वन टैप पड़ने वाले। तो देखो, फ्री फायर में दो तरह के प्लेयर होते हैं। पहले तो वो जब भी वो किसी एनिमी को देखते हैं वो एनिमी को देखते ही डर जाते हैं, और जैसे ही वो डरते हैं वो अपने थंब से फायर बटन को बिना सोचे समझे ड्रैग कर देते हैं, जिससे एनिमी को पछवाड़ा शॉट लगता है या फिर बॉडी शॉट या फिर हेड भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एनिमी को बॉडी शॉट ही पड़ता है। और दूसरे टाइप के प्लेयर होते हैं फुल्ली कॉन्फिडेंट, पहले तो वो एनिमी को देखते हैं, उसके बाद वो अपने एम को सेट करते हैं, और जैसे ही उनका एम सेट हो जाता है उसके बाद वो अपने फायर बटन को एनिमी के हेड की डायरेक्शन में ड्रैग कर देते हैं और एनिमी को हेडशॉट लग जाता है। नंबर थ्री, अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई हम एम तो सेट कर लेंगे लेकिन यार अपने फायर बटन को हमें ड्रैग कैसे करना है। अब देखो यार, अब अगर कोई एनिमी आपकी लॉन्ग रेंज में है तब तो आपको एनिमी के ऊपर इस तरह से अपने एम को रेड करना है, उसके बाद आपको अपने फायर बटन को थोड़ा सा ऊपर और स्पीड में ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो मेरे सामने एक एनिमी है, सबसे पहले मैं अपने एम को रेड करूंगा, उसके बाद थंब से फायर बटन को स्पीड में ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा, या फिर जिस तरफ एनिमी भाग रहा है या फिर जिस तरफ एनिमी की मुंडी है उसी तरफ मैं अपने फायर बटन को ड्रैग कर दूंगा, वो भी थोड़ा स्पीड में, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे से करूंगा तो मेरा एम एनिमी की बॉडी के ऊपर स्टक हो जाएगा। अब शॉर्ट रेंज या फिर मिड रेंज वन टैप की बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी एनिमी को शॉर्ट रेंज में वन टैप मारना है तो सबसे पहले आपको अपने एम को एनिमी के आसपास वाइड करना है या फिर उसके आसपास ऐसे वाला रेड करना है, उसके बाद फायर बटन को रोटेशन ड्रैग करना है। रोटेशन ड्रैग में वन टैप इजीली पड़ जाते हैं। अगर आपको रोटेशन ड्रैग नहीं आता तो आपको सिंपली जहां पर एनिमी की मुंडी है उसी तरफ अपने फायर बटन को ड्रैग कर देना है, और आप ये जो प्रोसेस कर रहे हो अपने एम को एनिमी के आसपास ला रहे हो उसके बाद फायर बटन को ड्रैग कर रहे हो, ये प्रोसेस 2-3 सेकंड के अंदर ही होनी चाहिए, तभी एनिमी को हेडशॉट पड़ेगा, क्योंकि फ्री फायर में डिफॉल्ट एम है और डिफॉल्ट एम एनिमी की चेस्ट के ऊपर ही चिपकता है। अगर आप इस प्रोसेस में थोड़ा सा लेट करते हो तो डिफॉल्ट एम होने की वजह से आपका एम एनिमी की चेस्ट के ऊपर ही चिपक जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं अपने एम को एनिमी के आसपास लेके आया, उसके बाद मैंने अपने फायर बटन को एनिमी की हेड की डायरेक्शन में ड्रैग कर दिया और एनिमी को हेडशॉट पड़ गया, और ये प्रोसेस मैंने 2-3 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट की है। और इस प्रोसेस में आपको अपने फायर बटन को पूरा और स्पीड में ड्रैग करना है। फायर बटन को स्पीड में और पूरा कैसे ड्रैग किया जाता है, अगर आपको इसके ऊपर एक हैंड कैम वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 1000 लाइक करवा देना। नंबर फोर, आपको एक सीएस का कस्टम बनाना है और उसमें अपने एक टीममेट को ऐड करके इस तरह से आप दोनों को भागते हुए एक दूसरे को हेडशॉट मारने की ट्राई करनी है, और जैसे ही आप हेडशॉट मारोगे आपको क्विक वेपन स्विच बटन के ऊपर क्लिक करके तुरंत भागना है, और इसको आपको बार बार करते रहना है जिससे आपकी मसल मेमोरी इंक्रीज होगी। इसकी वजह से जब भी आप बीआर रैंक या फिर सीएस रैंक खेलोगे वहां पर आपका फायर बटन उतनी स्पीड से ड्रैग होगा जितने में एनिमी को वन टैप पड़ जाए। नंबर फाइव, प्रैक्टिस। तो देखो भाई, वन टैप हेडशॉट मारने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है और आपसे जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने फायर बटन को ड्रैग करना है और एनिमी को हेडशॉट मारने की ट्राई करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप हर एक बंदे को हेडशॉट मार पाओगे और आपका 90 से ऊपर हेडशॉट रेट रहेगा। तो गाइस, बस यही था वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कॉल पे सेट कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।